Hello students, we are here discussing KVPYSA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. There are six objects placed at vertices of a regular hexagon. The geometric center of hexagon, it is at the origin with objects 1 and 4 on the axis. Iska matlab ye hai ki object 1 and object 4 x axis par present hai, right? The mass of kth object, agar hum 1 se start karte hain, then mass of the kth object is given by this expression, mk equals k to the power I capital M and the mod of cos theta k, theta subscript k, where I is an integer, M is a constant with dimensions of mass, and theta k is the angular position of kth vertex measured from the positive x-axis, right? In the counterclockwise sense, if net gravitational force on a body at the centroid vanishes, ये point important है, अगर हम किसी एक body को centroid पर रखते हैं, यानी कि origin पर रखते हैं, then उस case में उस पर net gravitational force zero हो जाएगी, right? So अगर ऐसा होता है, then what could be the value of I? So this is our question. Now try to understand that ये question actually design इस तरह से किया है कि दिखने में थोड़ा सा फियरफुल लगे, थोड़ा सा बच्चों को परेशान करने वाला लगे, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन आपकी जो इंट्यूशन है एंड अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए बनाया गया है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम यहाँ पर के आई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो देन हम किसी भी मास के बारे में बात नहीं करेंगे. अगर आई की वैल्यू वन पुट करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मास जो कि ओरिजिन जो कि फर्स्ट पॉइंट पर रखा हुआ है, राइट? एंड सिमिलरली हम M2, M3 एंड M4 की बात कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम मासेस की बात करते हैं तो मास का हमेशा एक ही तरह का नेचर होता है कि वो दूसरे किसी ओरिजिन पर रखे हुए मास को अट्रैक्ट करेगा, राइट? किसी भी मास को एक दूसरा मास हमेशा अट्रैक्ट करता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर जो ओरिजिन या सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है अगर जीरो चाहिए तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए. वो दो ही सिनेरियोज में हो सकती है. पहला कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए आप इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यूज को या उनके मैग्नीट्यूड को जीरो कर दीजिए, राइट? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सारी की सारी फोर्सेस का जो नेट वेक्टर सम है वो जीरो हो जाए, राइट? ऐसे क्वेश्चंस भी आपने शायद से किए होंगे कि उस केस में एफ नेट वेक्टर बिकम्स जीरो अगर वो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट? वेक्टर एडिशन उसका जीरो हो जाता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, ऑप्शंस में हमें 0, 1, 2 एंड 3 सिर्फ यही ऑप्शंस दिए. इसका मतलब 0 का मतलब हमने कोई मास नहीं रखा किसी भी वर्टेक्स पर, 1 का मतलब दैट फर्स्ट मास इज प्रेजेंट, 2 का मतलब सेकंड मास इज प्रेजेंट, एंड 3 का मतलब या ऑप्शन डी में जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 3 मास इज प्रेजेंट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनकी एंगुलर पोजीशंस कैसी है. फर्स्ट मास की एंगुलर पोजीशन है 0 डिग्री पर अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, सेकंड मास की है 60 डिग्रीज पर एंड थर्ड मास की है 120 डिग्रीज पर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड तीन फोर्सेस जिनका नेचर सेम तरह का है, नेचर सेम तरह का है एंड इनके बीच में एंगल नॉन जीरो या फिर ऑब्ट्यूस नहीं है, तो ऐसे केस में इनका नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता. ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर हम इवन फर्स्ट मास भी रखते हैं देन उस केस में इस फर्स्ट मास के कारण से आने वाले सेंट्रॉइड पर रखे हुए मास की ऊपर आने वाली जो फोर्स है हम उसे जीरो नहीं कर सकते. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्यूशन के हिसाब से इस केस में सिर्फ एक ही सुइटेबल आंसर है कि आप किसी भी वर्टेक्स पर कोई भी मास नहीं रखिए, राइट? अदरवाइज अगर आपने कोई भी मास रखा तो फिर उस केस में नॉन जीरो नेट फोर्स आएगी अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, राइट? ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम नंबर ऑफ मासेस को इंक्रीज करते, अगर 4, 5 या 6 तक इस नंबर को लेकर के जाते, देन उस केस में देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी विद अ स्लाइटली डिफरेंट फंक्शन और किसी और फंक्शन के थ्रू कि वहां पर नेट फोर्स सेंट्रॉइड पर रखे हुए मास पर जीरो आ जाती, राइट? वो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बट इस सर्कमस्टांस के अंदर जो गिवन ऑप्शन है उसमें ए सबसे सही आंसर है कि हम किसी भी वर्टेक्स पर कोई मास नहीं रखेंगे एंड हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रॉइड पर रखे हुए मास पर भी नहीं आएगी, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन दिस क्वेश्चन. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड आप वेदांतु एकलव्य के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.